सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आने वाला है, कुछ ही दिन रह गया है। सो गाइस मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको हैप्पी दिवाली की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो आ रही है क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर हो गया था, इस वजह से वीडियो लेट आ रही थी, लेकिन अब आप लोग पूरा सपोर्ट करना, अब वीडियो लेट नहीं होगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिवाली की फ़ोटो एडिटिंग। जैसा कि आप लोग यहाँ पे या फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज हम कुछ इस प्रकार की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड और PNG मैंने यूज़ किया है, सबका लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस मैं लेके चलता हूँ सीधे आपको वीडियो की तरफ। ओके सो गाइस सबसे पहले PicsArt एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐड फोटो में जाके अपनी मॉडल की फ़ोटो को लेके आना है, या अपनी खुद की फ़ोटो को लेके आइए यहाँ पे आप, और इस फोटो को मैं बड़ा करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छी तरीके से फ़ोटो एडिटिंग सीख पाएँ। सो गाइस इस फोटो को मैं थोड़ा बड़ा करके हल्का सा टिल्ड करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे या फिर अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो फ़ोटो है ना, मैं इसको सेट कर लिया, और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे एडजस्ट में, और यहाँ पे फ़ोटो को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी जो फ़ोटो है ना वो बैकग्राउंड से मैच हो जाए, ताकि देखने में रियल वाला लुक आए, मतलब फेक सा ना लगे। फ़ोटो एडिटिंग का मतलब यही होता है कि फ़ोटो बैकग्राउंड से मैच हो गई ना तो आपकी फ़ोटो में रियल वाला लुक आएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है, और सिंपली इस फ़ोटो को शेव नहीं करना है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके ऐड फोटो में जाके ये दिवाली की टेक्स्ट PNG लेनी है। तो क्या दिवाली की टेक्स्ट PNG का कलर अलग है, अगर इसको कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से दिखेगा। सबसे पहले इसको बड़ा करके सर के ऊपर रख लीजिए, और इसको बैक साइड करने के लिए आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मोब डाउन करेंगे ना तो हमारी फ़ोटो के पीछे चली जाएगी, ठीक है। और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो एडजस्ट में जाके ह्यू को आप प्लस माइनस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट का कलर है ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आपको जहाँ पर बेस्ट लगे वहाँ पे सिंपली आप रख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आपको इस फ़ोटो को चूज़ करना है, और इस फ़ोटो में यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे। कौन सा इफेक्ट डालेंगे, आर्टिस्टिक पे जाके और Fatal 2, ध्यान से देखिएगा, Fatal 2 को चूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो इसका फीड है ना इसको प्लस माइनस आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसका जो फेड है इसको आप प्लस माइनस जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको फुल करूँगा, और इरेज पे क्लिक करके जो हमारे फेस पे जो ये डार्कनेस है ना इसको रिमूव करेंगे। कैसे, इरेज पे क्लिक करके साइज को कम करेंगे और जितना हमारे फेस पे है ना इसको रिमूव कर देंगे, मतलब फेस से जो इफेक्ट है ना इसको बिल्कुल हटा देंगे। तो हटाने के बाद आपका जो फेस होगा ना बिल्कुल गोरा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे जहाँ पे हमारी स्किन दिख रही है वहीं से इसको रिमूव करना है। तो गाइस वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ यार एक बार कह रहा हूँ लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और भी वीडियो बनाने का दिल करता है, ठीक है। इस फोटो को यहाँ पे हम इस तरह से डन करेंगे, और इस फ़ोटो को हमेशा के लिए यहाँ पे ओपासिटी को तो छेड़ना नहीं है, यहाँ पे इस फ़ोटो को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से चलना है, तो हम यहाँ से ऐड फ़ोटो में चलेंगे, और ऐड फ़ोटो में जाने के बाद आपको एक पार्टिकल्स की PNG मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लीजिए और इसको बड़ा कर लीजिए, बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप ब्लाइंड पे जाएंगे, ये रहा ब्लाइंड, और स्क्रीन करेंगे और इसको थोड़ा और बड़ा करके नीचे रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ, थोड़ा फ़ोटो को छोटा करके यहाँ पे नीचे रखूँगा, हमारे फेस पे नहीं रहेगा ये, नीचे रहेगा ताकि रियल वाला लुक आएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और इसकी जो ओपेसिटी है ना इसको मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है। इसको डन कर देंगे, उसके बाद चलेंगे फिर से हम यहाँ से, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, यहाँ से चलेंगे हम कहाँ चलेंगे, ब्यूटी पे, ठीक है। ब्यूटी पे जाने के बाद आपको एक स्मूथ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। स्मूथ ये रहा चौथे नंबर पे, और जो स्मूथनेस है ना इसको आप यहाँ से साइज़ को माइनस प्लस कर सकते हैं। तो मैं इसकी साइज़ को करूँगा 40 के आसपास, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो फेस है ना ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से चलना है ऐड फोटो में, और आपको ये लेना है छोटा सा, ये भी एक PNG ही है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे अपने चश्मे के ऊपर रखेंगे, और तो इसकी ओपासिटी कम करेंगे ताकि दिखे। तो हम यहाँ से अपने चश्मे को ड्रॉ करके यहाँ से ओपासिटी कम कर देंगे, और इरेज पे क्लिक करके इन्वर्ट करके यहाँ पे जो चश्मा है ना बिल्कुल ग्लास में लगाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे ग्लास पे थोड़ा हल्का हल्का ड्रॉ कर देंगे, ताकि जो दिवाली की फ़ोटो होती है तो पता ही है कि आपको रिफ्लेक्शन जो होता है वो चश्मा पे आएगा ही। तो मैं यहाँ से दोनों पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है, आपको थोड़ा भी वीडियो को मिस कर देंगे ना तो आप अच्छी तरीके से एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से देख लीजिएगा। सो गाइस वीडियो बहुत ही लेट है क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, वीडियो हमेशा आएगी और जल्दी जल्दी आएगी। तो जो इसकी ओपासिटी है ना, इसको मैं माइनस करूँगा -80 के आसपास और इसको डन कर दूँगा, ठीक है। देख सकते हैं कि पहले फ़ोटो कैसी थी, अब कैसी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, चलना है ड्रॉ टूल में और इस फोटो को 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ओपन कर लेना है लाइटरूम में। तो मैं लाइटरूम में आ चुका। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से देखिएगा ऑटो पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन पे चलेंगे नीचे वाले, और जो एक्सपोर्ट है ना ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, शैडो को माइनस कर देता हूँ और वाइट को माइनस कर देता हूँ। और यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट टूल पर जाना है, वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर मैं मिक्स टूल में नहीं जाऊँगा। यहाँ से देखिएगा मैं बैक आता हूँ और ये जो नया अपडेट है ना इसमें चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे करेंगे कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ पे आपको सर्कल वाले पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे जहाँ पे आप रखना चाहेंगे ना, तो आपकी जो फ़ोटो है ना इसमें कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शैडो भी बढ़ेगा, ह्यू भी बढ़ेगा और सैचुरेशन भी बढ़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जितना रख रहा हूँ उतना ही आप रखिएगा। उसके बाद यहाँ इसको भी आप छेड़ के जितना चाहें उतना कलर मेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसको कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ, इसको जैसे चाहेंगे ना वैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मिक्स टूल में। मिक्स टूल में तो आपको मैं काफ़ी वीडियो बना दिया हूँ, तो ये नया अपडेट था इसलिए मैं इस पर फ़ोटो को एडिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वाले टूल पे जाके, सॉरी कलर पे जाके आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कलर पे जाके ऐसे ही सेम करना है, ह्यू को माइनस, सैचुरेशन को प्लस, नेक्स्ट कलर पे जाके ह्यू को माइनस, और ब्लू कलर पे जाके ह्यू को माइनस, सैचुरेशन को प्लस, और पहले वाले कलर पे, ठीक है, पहले वाले कलर पे ह्यू को माइनस कर देते हैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं, डन करेंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट टूल पे, ठीक है। और यहाँ पे टेक्सचर को हल्का सा प्लस करेंगे और विग्नेट को माइनस करेंगे। विग्नेट को मैं माइनस करूँगा 20 के आसपास, ज़्यादा नहीं करूँगा। नेक्स्ट टूल पे चलेंगे और शार्पनिंग डालेंगे अपनी फ़ोटो में, ताकि हमारी जो फ़ोटो है ना बिल्कुल शार्प हो जाए। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही पहले से ही कलर मेट है, पहले से ही बहुत ज़्यादा कलर है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले हमारी फ़ोटो कैसी थी बिफोर, और लाइटरूम में कलर ग्रेडिंग करने के बाद बहुत ही ऑसम लग रही है फ़ोटो। तो गाइस इस फोटो को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर सकते हैं आपकी फ़ोटो सेव। सो गाइस बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।